अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज वर्क एंड एनर्जी। एज दिस चैप्टर इज इंक्लूडेड इन योर फर्स्ट मंथली असेसमेंट, सो ऑल द टॉपिक्स शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। वर्क Work is done whenever a force is used to make something move. Work कब होता है? जब force use की जा रही होती है किसी भी चीज़ को move करने के लिए। And you know that कि जब कोई चीज़ move करेगी तो वो कोई distance भी cover करेगी। So if we look at the formula of work, work done is equals to force into distance move. जितना फोर्स है आप उसको अगर मल्टीप्लाई करें, जितनी फोर्स आपने लगाई है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, जितना डिस्टेंस उसने मूव किया है और जितनी फोर्स आपने यूज़ की है, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो है वो वर्क डन आ जाता है। वर्क इज़ मेजर्ड इन जूल्स। द यूनिट ऑफ वर्क इज़ जूल्स एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जब आप वर्क की कैलकुलेशन कर रहे हो, वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपने यूनिट लाजमी मैंशन करना है। Now I will show you one calculation regarding work. It is given in your book as well. This example, a boy is pushing trolley with a force of 10 newton and the distance is covered is about 5 meter. ये एक boy है जो कि trolley को push कर रहा है and as you can see in the picture के फोर्स जो है वो 10 न्यूटन की अप्लाई हुई हुई है और जितना डिस्टेंस कवर है वो 5 मीटर का है। तो सिंपल यू नो द फार्मूला ऑफ वर्क। मैंने वैसे आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने का पूरा एक तरीका बताया, दैट यू हैव टू मेक द डेटा, दैन यू हैव टू रिटन द रिक्वायरमेंट, देन फार्मूला एंड देन सोल्यूशन। यहाँ पर मैं जस्ट आपको सोल्यूशन दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप पेपर में करेंगे तो विद द सेम पैटर्न आपने करना है, डेटा रिक्वायर्ड, फार्मूला और सोल्यूशन वाले पैटर्न के साथ। Now what is the formula of work? Work done is equals to force into distance move. This is the formula of work done. As you know that force is about of 10 newton and distance is 5 meter. 10 into 5 equals to 50 joules. अब यहाँ देखें मैंने J लगाया है, it is mandatory to write the unit with the answer. अगर आप unit नहीं लिखेंगे तो आपके marks जो हैं वो deduct हो जाएंगे। Energy and work. When work is done whether by a machine or a person, energy is used. जब कोई भी work होता है, अब चाहे वो कोई person कर रहा हो या कोई machine कर रही हो, energy तो use होती ही होती है। To push the shopping trolley, the boy needs energy from the fuel he eats. अब आप देखें भाई, जो बॉय है जो शॉपिंग ट्रॉली को पुश कर रहा है, इसको उसको पुश करने के लिए एनर्जी भी चाहिए और वो एनर्जी इसके पास कहाँ से आई है? उस फूड से जो वो खाता है फूड, इसको आप एज अ फ्यूल भी कह सकते हैं। और यू कैन से दैट एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क, और द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? एबिलिटी है कि उसकी वजह से वर्क हो सके। टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ एनर्जी मस्ट बी यूज। एक आपको एक सिंपल सी समरी बताई हुई कि अगर 1 जूल आपको वर्क करना है तो 1 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ होगी। नोटिस दैट द यूनिट फॉर वर्क्स एंड एनर्जी आर सेम। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर लें कि वर्क और एनर्जी का यूनिट जो है वो बहुत वो सॉरी दोनों वर्क और एनर्जी का यूनिट जो है वो सेम है। ठीक है, नाउ आई एम शोइंग यू सम कन्वर्जेशंस जो मैंने आपको होमवर्क में भी दी थी और वैसे भी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, बट अगेन आई एम शोइंग यू सम कन्वर्जेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जो है कन्वर्ट करना आना चाहिए किलो जूस इंटू जूस एंड मेगा जूस इंटू जूस। नाउ एज यू नो दैट 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल। 1 किलो जूल जो है वो 1000 जूल के इक्वल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है कि इफ 1 किलो जूल इज़ इक्वल्स टू 1000 जूल तो फिर 20 किलो जूस कितना होगा? सिंपली आपने क्या करना है, 20 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1000 से, आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 20,000 जूल्स। सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट मेगा जूल, 1 मेगा जूल इज इक्वल्स टू 1 मिलियन जूल्स। 1 मेगा जूल किसके इक्वल है? 1 मिलियन जूल्स के इक्वल है। अब आपको कोई भी क्वांटिटी गिवन हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास 2.5 गिवन है, तो 2.5 मेगा जूल को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलियन से, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट इज़ द आंसर ऑफ
आंसर इन जूल्स। इस तरह से आपने कन्वर्जन करनी है, कोई भी नंबर आपको गिवन हो सकता है। अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सॉरी किलो जूल से जूल से कन्वर्ट किलो जूल से जूल्स में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मेगा जूल से अगर जूल में से करना है तो आप 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखना है, ऐसा ना हो कि किलो जूल में गिवन हो और आपने उसको 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट वुड बी रॉन्ग। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किलो जूल वाला जो है वो 1000 में आएगा और मेगा जूल वाला जो है वो मिलियन में आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एनर्जी। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज टू डू वर्क, हाउ एवर दीज कैन बी कन्वीनियंटली डिवाइडेड इंटू टू ग्रुप्स। बहुत सारी टाइप्स हैं वैसे एनर्जी की जो कि वर्क करने के लिए यूज़ की जा सकती है, लेकिन इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पोजिशन और कंडीशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर है, किसके रिजल्ट में, जिस पोजिशन और कंडीशन में वो ऑब्जेक्ट मौजूद है। ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 1 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 2 इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 केमिकल एनर्जी एंड नंबर 4 इज न्यूक्लियर एनर्जी। वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, नंबर 2 इज इलास्टिक पोटेंशियल, नंबर 3 इज केमिकल एनर्जी एंड नंबर 4 इज न्यूक्लियर एनर्जी। लेट्स डिस्कस देम 1 बाय 1। नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम, ये कार है, ये जो है ट्रैवल कर रही है। अब जहाँ देखिए टॉप पे रुकी हुई है, तो जिस पोजीशन और कंडीशन में रुकी हुई है वहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो शो हो रही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्टोर होगी, किस वजह से, जो ग्राउंड पे उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से जो एनर्जी उसके अंदर होगी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट व्हेन डिफॉर्म बाय बीइंग पुल्ड और पुश्ड। वो ऑब्जेक्ट जिसको अगर आप पुश करें और पुल करें उसके बाद वो वापस अपनी सेम पोजिशन में आ जाए, उस ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे स्प्रिंग हो गया। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दिस एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज केमिकल एनर्जी। ठीक है, हियर आर द एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आप देख लें आपके पास स्प्रिंग की एग्जांपल है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये जो बॉय है ये पैराशूट से नीचे आ रहा है और ये ग्राउंड से ऊपर जो इसकी पोजीशन है वो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शो करेगी। और केमिकल एनर्जी में आपके पास जो है वो फूड आ रहा है, फूड भी होता है वैसे, बैटरी भी होती है, मैचेस भी होते हैं, तो ये आप सारे फूड अपने आप फूड इंटेक करते हैं तो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है और उसके रिजल्ट में जो एनर्जी निकलती है, दैट इज़ केमिकल एनर्जी। वन मोर टाइप इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी कंटेन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। और ये कब रिलीज होती है? जब न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं, जैसे एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज ड्यू टू इट्स मोशन और मूवमेंट। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है जब वो मूव कर रहा होता है या मोशन के अंदर होता है, यानी किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। यू कैन सी द डायग्राम के एक जगह पे स्टिल था ये ऑब्जेक्ट, तब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही वो फॉल होने लगा यानी उसके अंदर से मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो उसकी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी। इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन बोथ इट्स मास एंड वेलोसिटी। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक उसके मास पे यानी उसके वेट पे, और दूसरा उसकी वेलोसिटी यानी उसकी स्पीड पे।
By doubling the speed of a moving object, its kinetic energy is increased 4 times. अगर आप किसी moving object की speed को double करते हैं तो उसकी kinetic energy जो है वो 4 times increase हो जाती है. ये चीज़ आपको याद रखनी है. तब यही वजह है कि जितना तेज़ एक कार जा रही होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब अगर उस स्पीड में वो कार जाके हिट करती है तो उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होगा. और अगर उसके कंपेयर करें एक स्लो गोइंग कार के साथ जिसकी स्पीड स्लो है, और अगर वो हिट करती है तो उसमें इतना डैमेज नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू दैट कार जो कि फास्ट जो है वो ड्राइव होती हुई जा रही है. रेडिएटेड एनर्जी. रेडिएटेड एनर्जी इज़ एनर्जी कैरीड एज मूविंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू जो है वो कैरी करी होती है उसको रेडिएटेड एनर्जी कहते हैं. ये एनर्जी जो है वो स्पेस में भी जो है वो कैरी हो सकती है. यानी जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्पेस में भी इजीली एनर्जी को कैरी कर सकते हैं. इसमें आपके पास एग्जाम्पल है सन की, कि सन जो है वो लाइट रेडिएट करता है. साउंड एनर्जी. साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद वाइब्रेशंस. साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि वाइब्रेशन से एसोसिएट है. ठीक है, साउंड कब बनता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करने के लिए आप फोर्स लगाएं, उसके रिजल्ट में जो है वो साउंड बनता है. जैसे कि हेडफोन से आप म्यूज़िक सुनते हैं तो साउंड एनर्जी जो है आपके एयर्स में जा रही होती है फ्रॉम द हेडफोन जब कोई भी आप म्यूज़िक जो है वो सुन रहे होते हैं. थर्मल एनर्जी. द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ द हीटेड सब्सटेंस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी. किसी भी हीटेड सब्सटेंस के टेम्परेचर से जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ थर्मल एनर्जी. इसको आप हीट एनर्जी भी कह सकते हो. आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है अ कप ऑफ हॉट टी. अगर आप इसके अंदर कोल्ड मिल्क ऐड करेंगे तो क्या होगा कि टी अपनी थर्मल एनर्जी को लूज़ करेगी और ठंडी हो जाएगी. और होगा क्या कि जो आपने इसमें ठंडा मिल्क ऐड किया है वो क्या करेगा कि जो टी थर्मल एनर्जी लूज़ कर रही होगी वो उसको गेन कर लेगी और मिल्क थोड़ा सा वार्म हो जाएगा. ओवरऑल टी आपकी जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्राम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. वो वाली एनर्जी जो कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के रिजल्ट में मिल रही हो दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसमें आपके पास एग्जाम्पल वैसे जो है वो कॉपर वायर की है. कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ईजिली इलेक्ट्रिक को जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है ये पास ऑन कर लेता है. अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो जो आपको ये जो कॉपर कलर का पार्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉपर वायर. उसके ऊपर जो है वो प्लास्टिक चढ़ा हुआ है. इस प्लास्टिक से आपको जो ये जो प्लास्टिक है ये एज एन इंसुलेटर काम कर रहा है. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता. यहाँ पे आपको दो चीज़ पता चल गई. नंबर वन इज़ कंडक्टर एंड नंबर सेकंड इज़ इंसुलेटर. कंडक्टर क्या होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे. इंसुलेटर क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे. Converting energy. When work is done, energy is used. However, this energy does not disappear. It changes or converts from one type to another. This is sometimes called an energy chain. जब work होता है तो energy use होती है, लेकिन ये energy disappear नहीं होती. ये energy क्या करती है, या तो change हो जाएगी या किसी और type में convert हो जाएगी. इसको energy chain कहते हैं. Now look at this diagram. यहाँ पे energy conversion show हो रही है जब एक cricket ball को जो है वो ऊपर की तरफ फेंका गया और उसके बाद वो वापस नीचे आके ball को hit कर रही है. अब आप देखें, सबसे पहले जो है boy के हाथ में ball है तो उसकी एनर्जी जो स्टोर्ड है मसल के अंदर वो है केमिकल एनर्जी. उसने थ्रो किया, बॉल मूव करना स्टार्ट हो गई तो काइनेटिक एनर्जी. अब एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल रुकेगी, वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी. वापस उसने नीचे आके गिरना स्टार्ट किया, दोबारा मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी. और जैसे ही बॉल के साथ हिट करेगी दैट इज़ थर्मल एनर्जी, क्योंकि थोड़ी सी उसमें से हीट निकलती है. और अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट होता तो वो साउंड भी निकलता उसके साथ, तो फिर साउंड एनर्जी भी आप कह सकते थे. इस तरह से आप देखें कैसे एक बॉल के अंदर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. दिस इज़ कॉल्ड एनर्जी चेन. लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन नॉट बी मेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर.
एनर्जी ना तो बनती है ना डिस्ट्रॉय होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी है ना वो बनेगी ना वो डिस्ट्रॉय होगी, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो सकती है। ये स्टेटमेंट जो है वर्ड टू वर्ड आपने लिखना होता है। एनर्जी कन्वर्टर, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, यूजुअली इट इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय एन एनर्जी कन्वर्टर। मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो अक्सर ये ऐसे होता है कि ये किस तरह से कन्वर्ट हो रही होती है, विद द हेल्प ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स शो करूँगी विद द डायग्राम्स, जिसके अंदर जो है आपको एनर्जी चेन भी शो हो रही होगी और कन्वर्जन भी आपको नज़र आ रहा होगा एनर्जी का। लाइक जैसे कि ये एक जो आपके पास एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है जो एनर्जी को कन्वर्ट करेगी, एक तरफ से जैसे एनर्जी इन हो रही है एक टाइप की और आउट जो है वो दूसरे टाइप की होगी। नाउ लुक एट द एग्जांपल ऑफ दिस हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी के अंदर। आप इसको जो है वो स्विच बोर्ड पर लगाते हैं, वहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, उसके बाद रिजल्ट में इसमें से जो है वो गर्म हवा आ रही होती है, दैट इज़ थर्मल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो गई इंटू थर्मल एनर्जी। सेकेंड इज़ कार इंजन। कार इंजन में जो है वो फ्यूल होता है, ठीक है, फ्यूल इज़ केमिकल एनर्जी। उसके बाद वो जब आप कार स्टार्ट करते हो तो फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होता है, जब बर्न होना स्टार्ट हुआ दैट इज़ थर्मल एनर्जी। जैसे ही बर्न होता है उसके बाद जो इंजन के पिस्टन होते हैं वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब मूविंग हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी, उसके रिजल्ट में कार जो है वो चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले केमिकल एनर्जी वो कन्वर्ट होगी इनटू थर्मल एनर्जी और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, जिसके रिजल्ट में कार जो है वो मूव कर रही है। और साथ में आपने देखा होगा कार के अंदर से धुआं निकल रहा होता है, गर्म धुआं निकल रहा होता है, तो बहुत सारी थर्मल एनर्जी जो है वो लॉस भी हो रही होती है सराउंडिंग एयर में, जिसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का क्या काम है, ये किस चीज़ को कन्वर्ट कर रहा है, साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप माइक में बोल रहे हैं, ठीक है, आपके मुंह से जो है वो साउंड जा रहा है, दैट इज़ साउंड एनर्जी। अब वो जो है इलेक्ट्रिक से ही कनेक्टेड है तो इसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट इज़ गैस स्टोव। गैस स्टोव में जो है वो केमिकल एनर्जी मौजूद है, उसके बाद वो बर्न होती है, तो बर्न होने के बाद वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आप जो है वो खाना पकाते हैं। टेलीविजन, टेलीविजन आपको पता है कि क्या करता है कि आप इसको स्विच लगाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब आपको टेलीविजन में से साउंड भी आ रहा है, लाइट भी आ रही है और थोड़ी सी हीट भी निकल रही होती है, तो साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और थर्मल एनर्जी, तीनों तरह की एनर्जी जो है वो इसमें प्रोड्यूस हो रही होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू दीज थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आपके पास जो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस थी, एक हेयर ड्रायर था, एक कार इंजन, माइक्रोफोन, गैस स्टोव और टेलीविजन, ये फाइव आपके पास एग्जाम्पल थी। आई होप ये चैप्टर अब आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। टिल देन, stay home, stay safe, Allah Hafiz.